डियर स्टूडेंट्स, बड़ी अपडेट है यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना को लेकर। बड़े दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा था क्योंकि अभी केवाईसी चालू हो गई थी, तो केवाईसी लगभग बच्चों की समाप्त हो चुकी है। केवाईसी कैसे करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ बात करेंगे हम फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर, वितरण को लेकर। देखिए, केवाईसी लगभग समाप्त हो गई है काफ़ी सारे बच्चों की, अब वितरण चालू हो गया है। इसको लेकर ऑफिशियली नोटिस आया है, 14 तारीख से 22 अक्टूबर तक नोटिस जारी किया गया है वितरण के लिए। बड़ी अपडेट है कौन सा कॉलेज है, सब चीज़ें बताने वाले हैं। लिस्ट भी जारी की गई है। और हाँ, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बॉल पर क्लिक करें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। ऑफिशियली नोटिस है 9 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा ऑफिशियली नोटिस। देखिए, 13/9/2024 को महाविद्यालय में ये डिजिटल प्रौद्योगिकी की टीम के निर्देश आए हैं कि स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, उसी के अवशेष में पुनः वितरण किया जाएगा। नोटिस जारी की गई है, ठीक है। और संपन्न कराने की जो तिथियां हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, 1 बजे से यहां पर पूर्व तिथियों का आवंटन किया गया है। बीएड और बीएड विभाग के 164 हैं जिनको 14 अक्टूबर को मिलेगा, और बीएससी और बीएससी विभाग के 53 फोन आए हैं, उनको भी 14 अक्टूबर को मिलने जा रहा है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। लिस्ट आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है जो भी रहती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये बीएड वाला हो गया है ना। देखिए भाई, यहाँ पर बीएड वालों को 14 को मिलेगा, बीएससी वालों को 14 को मिलेगा, और बीकॉम वालों को 14 को मिलेगा। उसके बाद बीएससी प्रथम सेमेस्टर और यहाँ पर JRN सदाबहार वालों को 647 आए हैं, 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर वितरण कराया जाएगा। फिर BA तृतीय वर्ष जो वार्षिक वाले हैं, नोडल अधिकारी रहेंगे यहाँ पर सभी, और 351 छात्र हैं, 18 और 19 अक्टूबर को यहाँ वितरण कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें आगे। देखिए आगे क्या है, आगे आपकी स्क्रीन पर है LLB विभाग के जो हैं वो 300 स्टूडेंट के लिए स्मार्टफोन आए हैं, और यहाँ पर 21 और 22 अक्टूबर 2024 को वितरण कराया जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव डाटा है, ठीक है। हर साल का ये रहता है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ, क्लियर है इतना आप लोगों को। देखिए, इस चरण में वितरण किए जाने वाले स्मार्टफोन का सूची आपकी जारी की गई है। तो सूची आपकी BTP जो आपका विभाग रहता है, जो कॉलेज रहता है उसके पास आती है, तो कॉलेज से ही आपको लिस्ट मिलेगा। उसके बाद प्रत्येक छात्र प्रत्यक्ष रूप से होने पर, उपस्थित होने पर उसका फ़ोटो लिए जाना है, अथवा सभी छात्र आधार कार्ड लेकर आए, ये चीज़ लेकर आना होगा। नोडल अधिकारी प्रभात कुमार श्री जो भी वहाँ के अनुपस्थित होंगे तो उसके स्थान पर नोडल अधिकारी कार्य देखेंगे। मान लो कोई भी क्या टीचर नहीं आता है तो उसके स्थान पर दूसरा टीचर आपका कार्यभार देखता है। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल समझाएं आप लोगों के। टैबलेट वितरण तेज़ी से हो रहा है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार वितरण है, ठीक है। तो ये कॉलेज का कौन सा नाम है, बच्चे कमेंट करेंगे ना, कॉलेज का नाम भी बताइए। तो कॉलेज का नाम आप देख सकते हो, पूरा वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। तो कॉलेज का नाम है कासु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या, ये कॉलेज का नाम है, ठीक है। इस कॉलेज में 14 से लेकर 22 अक्टूबर तक टैबलेट स्मार्टफोन वितरण होगा, कासु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो ये कॉलेज है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर एक कॉलेज का नाम दिख रहा है, कासु साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए 14 से लेकर 22 तारीख तक स्मार्टफोन वितरण कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के यहाँ भी जल्द मिलेगा, अगर आपने KYC कर लिया है तो जल्द से जल्द मिलेगा। KYC कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। सारे KYC से रिलेटेड पूरी प्ले लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल KYC कंपलसरी है टैबलेट स्मार्टफोन के लिए। अगर आपका फेल दिखा रहा है तो कॉलेज में बात करो, बहुत सॉल्यूशन तो मैंने सभी बता रखे हैं, वो चीज़ें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।